अगर आप यूज़ कर रहे हैं एम बॉक्स और वो आकर रुक जाता है स्क्रीन पर, यानी इस तरीके से हो जाता है स्टक, तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रिएटिव सत्य सत्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एम बॉक्स के रिगार्डिंग। देखने में आया एम बॉक्स कई बार आके इस स्क्रीन पर स्टक हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे इसको फिक्स किया जाए। तो इसके लिए हमें एक ऐसी स्टिक लेनी है जो कि मेटल की ना हो, वुड की स्टिक लेनी है और हमें एम बॉक्स का पावर अडेप्टर निकाल देना है। जब आप पावर अडेप्टर निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको एक दो होल मिलेंगे, एक है डिजिटल ऑडियो आउट का और दूसरा है ऑडियो वीडियो आउट का। इन दोनों बटनों में से किसी एक में आपको एक प्रेस वाला बटन मिलेगा, यानी कि वो आपको फील होगा कि वो प्रेस होगा। उसको आपने कुछ नहीं करना है, प्रेस करके देखना है। जिस भी होल में आपको वो प्रेसिंग वाला बटन दिखे आपने उसको प्रेस करके रखना है और उसके बाद पावर का अडेप्टर जो है कि लगा देना है। ध्यान रखिएगा इसे रिलीज़ नहीं करना जब तक कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन ना दिखाई दे। आपको ऑप्शन दिखाने के बाद आपको अपने रिमोट का प्रयोग करके कुछ इस तरह का एंड्रॉयड का लोगो आएगा और एंड्रॉयड लोगो आने के बाद ही आपको वो ऑप्शंस दिखाई देंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग हार्ड रीबूट कहते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखिए इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। इस ऑप्शन में से आपको अपने रिमोट की मदद लेकर इसमें फैक्ट्री रीसेट करना है। देखिए इस तरीके के कुछ ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, पाँचवें नंबर पर आपको फैक्ट्री रीसेट दिखाई देगा। जैसे आप फैक्ट्री रीसेट के लिए बोलेंगे तो ये बोलेगा आपको कि ये ऑप्शन एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप इसे अनडू नहीं कर सकते, तो हमें येस करना है। येस पे क्लिक करने के बाद ये सारा डेटा फॉर्मेट कर देगा और फैक्ट्री रीसेट मोड पे चला जाएगा, जिस तरीके से आपको फैक्ट्री से ये तो पहला ऑप्शन है रीबूट का, हम उस पर क्लिक करेंगे और ये रीबूट हो जाएगा। सिस्टम रीबूट होने के बाद ये कुछ टाइम लेगा इसे रीबूट करने के लिए और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखिए अब ये सिस्टम ऑन हो रहा है। तो इसी प्रकार अगर आपका भी बॉक्स स्टक हो जाए मेन स्क्रीन पर आकर या फिर एम बॉक्स के लोगो पर आकर, इस प्रक्रिया को दोहराकर आप भी अपने बॉक्स को कर सकते हैं घर पर ही ठीक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशनल थी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।